आर्मी जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक सच्चे आर्मी लवर के बारे में जिसका नाम है रेसर सेड्यूल। बात करते हैं कि सच में ये आर्मी लवर है या फिर आर्मी के नाम पे नौटंकी कर रहा है। नो। अच्छे बेटे टिकटॉक ये हो, भाइयों को लग रहा होगा कि ये रोस्ट क्यों कर रहा है, व्यूज के लिए कर रहा है। चलो आपकी बात सही है, मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब तो सबसे पहले ये अपने वीडियो में अपनी बहुत गरीबी दिखाता है, तो मैं गरीब हूँ। सुबह भेटू लोग 2 मेगापिक्सल का कैमरा ऑन करके चुत्तड़ फैला के ऐसे वीडियो बना रहे हो, अरे शर्म करो। बात बता दूं कि जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले होते हैं सब गरीबी होते हैं, ना उसका बाप अंबानी होता है ना बड़े बाप का बेटा होता है, ये तो खुद पता होगा। आर्मी के नाम पर बहुत लोग इमोशनल होते हैं क्योंकि वो तैयारी करते हैं और आर्मी के नाम से ही हमारे इमोशन जुड़े होते हैं। तो ये भाई उसका बहुत अच्छा फायदा उठा रहा है, पूछो कैसे। देखो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देगा, एक राउंड 400 के दौड़ के आ जाएगा आराम से, और पसीने तो आ ही जाएंगे, तो वीडियो एक शायरी बन जाएगी और लोग मोटिवेट हो जाएंगे कि हाँ भाई मेरे को तैयारी करनी है आर्मी की, वरना नहीं होंगे। सही बात है। चल बहुत बढ़िया है, तेरी आर्मी का तो पता नहीं लेकिन तेरा यूट्यूब चैनल तो बहुत तगड़ा चल रहा है। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। बताता हूँ, जो आर्मी लवर होता है ना वो फालतू चक्कर में लगता ही नहीं है, वो चुपचाप अपने तैयारी में ध्यान देता है, ना कि ये सब फालतू के बकचोदी में। रेसर सेड्यूल भाई वो लड़का है जो आपने देखा ना टिकटॉक वीडियो में DSLR कैमरा से बस के साथ रेसिंग लगाते हैं 100 मीटर। नो। वही लड़का है, बस फर्क इतना है कि इसके पास DSLR कैमरा नहीं है लेकिन वो उन कैटेगरी में ये आता है। ये वही लड़का है जो फौजी कम बनना चाहता है लेकिन दिखावा ज्यादा करना चाहता है, यही लड़का है। और देख भाई तेरे को जो करना है वो कर, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात तेरे को बोलूंगा कि देख आर्मी के नाम पर बच्चों को चूतिया और बेवकूफ समझना छोड़ दे, ठीक है। मैं तेरे से एक विनती करूंगा, जो तू अपने थंबनेल में बार बार एक ही फोटो लगाता है ना भाई, इरिटेट कर। कर देता यार, बहुत बच्चों ने मेरे को बोला यार कि भाई इसकी वीडियो रिकमेंड पे आती है, बार बार एक ही थंबनेल दूसरा ले ले यार, क्यों रुलाता है हम लोग को, इमोशनल कर देता है यार, मेरे को तो रोना आया था वो सब देख के। सुंदर सिंह पैरवाल 2 बन गया इंदौर फिजिकल एकेडमी वाला, अब तो तू जाके एकेडमी बोलता है कि फौजी बनोगे और बच्चों को तू मोटिवेट करता है, उसने तो माथा ऐसे ही खराब कर रहा है, अब तू ही बोल रहा है फौजी बनोगे। यार गए किसने ये बता, बना दे यार फौजी, हमको ही बनना है, बना दे फौजी बोल के 10 पर हम ही बोलेंगे फौजी बनेंगे। अच्छा बात नहीं है। और मैं भी दोस्तों एक काम करता हूँ, आर्मी वाले बच्चों को तो चूतिया ऐसी बना सकते हैं कोई भी, क्योंकि वो बच्चे तो एकदम भोले होते हैं। मैं भी जा रहा हूँ, एक गरीब, मेरा तो गरीब दिख नहीं रहा पीछे, अब बोलो तो कि अमीर लड़का है, तो मैं भी जा रहा हूँ, एक साइड में एक घर है पूरा एकदम पीछे लगा दूंगा, मैं भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ये मेरा घर है और इमोशनल वीडियो डाल दूंगा, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में रोना आ जाएगा आपको। और एक और चीज़ काम करूंगा मैं भी कि पानी डाल दूंगा अपने सर पे और थोड़ा दौड़ लूंगा आराम से, या आँख में वो आई ड्रॉप डाल दूंगा ना तो वीडियो आराम से बना दूंगा इमोशनल, उससे मेरे को थोड़ा व्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे, और बच्चे इमोशनल ज़्यादा हो जाएंगे और तैयारी करेंगे दम जम के, तो ये सब ठीक है, सब फालतू की चूतिया गिरी मत रहो दोस्तों, तैयारी करने वाला बच्चा दम तैयारी करता है, ना कि ये सब फालतू बकचोदी। इतना आपको क्लियर कर दूं, जो अपने डॉक्यूमेंट तू जलाता है ना भाई, वो भाई वीडियो बना के मत जलाया कर, बस कुछ दिन के बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स पानी में फेंकना होगा, कोई काम का नहीं रहेगा, एज भी निकलने वाला है। इससे मनोबल बच्चों का टूटता है, तेरा तो पता नहीं, तेरा तो चैनल चल रहा है, व्यूज आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा मत किया कर। तूने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा आर्मी मोटिवेशन फॉर यूथ, तो तू मोटिवेशन दे, डीमोटिवेट मत कर, डॉक्यूमेंट चला के कुछ फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि व्यूज़ के लिए कर रहा है क्योंकि इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, इसलिए व्यूज़ के लिए व्यूज़ पाना। चल भाई तेरे को जो लगे बढ़िया वही समझ, चल मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ तेरे को बोलूँगा, आर्मी के नाम पर लोगों को थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल मत कर, ठीक है।
बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो यही था वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक तो मत कीजिएगा, शेयर भी मत कीजिएगा बस। मैं इसका क्या करूं इसका क्या करूं, मार भी नहीं पड़ता। देख लीजिएगा भाई को ये लग रहा हो कि ये रोस्टिंग कर रहा था, दोस्तों मैं ये रोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ।